बोरिंग टॉपिक है बट लेट्स टॉक अबाउट शाउमी पावर बैंक इज इट बेटर देन एनी अदर पावर बैंक इन द मार्केट या फिर उस जैसे ही है सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके पोर्ट्स की तो पोर्ट्स आर रियली रियली गुड मतलब जो सेट ऑफ पोर्ट्स इसमें दिए गए दो यूएस पोर्ट्स दिए हुए जिसे आप एटीन वॉट की फास्ट चार्जिंग कर सकते हो और दो पोर्ट्स जैसे दिए हुए एक से आप पी चार्जिंग कर सकते हो टाइप सी पोर्ट से और एक है माइक्रो यू एस पोर्ट जो सिर्फ इन लेता है आउट नहीं देता है. ठीक है तो आपके पास तीन पोर्ट्स हो जाते हैं जो आउटपुट देते हैं तो मैक्सिमम ये आउटपुट देता है एटीन वॉट्स की इट इज़ नॉट दैट फास्ट चार्ज बट इतने ज़्यादा अगर फास्ट चार्जिंग आप अपने फ़ोन को करते भी हो ना वैसे भी तो आपके जो फ़ोन की साइकिल्स है वो घटती है और हीट ज़्यादा डिसिपेट होती है जिसकी वजह से आपका फ़ोन ओवर द टाइम ख़राब हो सकता है जल्दी तो उसके लिए एटीन वॉट अ स्वीट पॉइंट थर्टीन वॉट का पावर uh, बैंक भी आ गया है फिफ्टी फाइव वाट का भी पावर बैंक आ गया सिक्सटी फाइव वाट का भी पावर बैंक आ गया है बट स्टिल एटीन वाट का पावर बैंक इट्स स्टिल गुड मेरा जो आईफोन ट्वेल्व मिनी है उसको ये आराम से छः सात बारी सात बारी टू बी प्रोसाइज सात बारी चार्ज कर देता है फुली ज़ीरो टू हंड्रेड जो कि एक ट्वेंटी थाउजेंड एम एच के पैट पावर बैंक से एक्सपेक्टेड है बाकी एक छोटी सी चीज़ है जो आप शायद जानते होंगे शायद नहीं जानते होंगे अगर इसको डबल टैप करते हैं तो ये लो एनर्जी मोड में चल जाता है तो लो एनर्जी मोड से क्या होता है आपके जो लो एनर्जी लेने वाले डिवाइसेस है फॉर एग्जांपल कोई छोटे मोड फ़ोन्स है बटन्स वाले फोन है तो उसके लिए ये लो एनर्जी मोड काफ़ी सही रहता है इससे निकलने के लिए आप सिंगल टैप कर सकते हो बस ये चीज़ मैंने एक्चुअली बताया क्योंकि बहुत लोग बोलते थे कि ये बटन किस चीज़ के लिए है वेल well, बेसिकली ये इंडिकेट करने के लिए तो है ही है कि कितनी चार्ज इसमें बची है बाकी डबल टैप करते हैं तो लो पावर मोड में चल जाता है ये एंड्रॉइड में तो नहीं देखा मैंने पर आईफोन में जब आप चार्जिंग करना चाहते हो इससे तो कई कभार आपको यूएसबी लगा के इस पे जब चार्जिंग कर रहे हो तो, तो आपको बटन दबाना होता है तभी चार्जिंग स्टार्ट होती है इससे ज्यादा पोर्टेबल जो है वो टेन थाउजेंड वाला पावर बैंक रहता है बट आई डोंट माइंड दिस कैरिंग विद माई आई फोन ट्वेल्व मैं तीन चार साल से शामी के पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ और आज तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई हुई है एंड्रॉइड फ़ोन के साथ और आई फोन के साथ तो या आई कैन डेफिनेटली रिकमेंडेड हालाँकि रियलमी के पावर uh, बैंक भी बहुत अच्छे हैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे इंस के लिए भी और रियल मी के भी तो बस इतना इतने तस्वीरों के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इफ लाइक द वीडियो मेक शूट द लाइक बटन और इस लाइक भी कर सकते हो अगर करना है तो सब्सक्राइब तो मो ओके बाय गाइस सो दिस इज मी पावर बैंक ट्वेंटी थाउजेंड एम एच जो पावर बैंक थ्री आई है जो सबसे लेटेस्ट है आई मीन फोर आई कोई नहीं आया तो इसलिए ये सबसे लेटेस्ट है तो इसमें क्या खास बातें हैं सबसे पहले तो ट्रिपल पोर्ट आउटपुट है मतलब इसमें टाइप सी भी होगा वो मैं बाद में बताता हूँ डूअल इनपुट पोर्ट है मतलब चार्जिंग आप दो पोर्ट से कर सकते हो टाइप सी से भी कर सकते हो माइक्रो यूएसबी से भी कर सकते हो और बारह लेयर की चिप प्रोटेक्शन है इसके बारे में बाद में बात करता हूँ पीछे देख रहे हैं आप कि कितनी सारी वोल्टेजेस ये एक्सेप्ट करता है नौ वोल्ट पाँच वोल्ट और एम्पेयर रेटिंग के हिसाब से मतलब आप अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो आप अगर आपके पास मैकबुक है या फिर कोई भी लेटेस्ट यू एस बी टाइप सी से चार्ज होने वाले डिवाइस है ये मुझे पड़ा था पंद्रह सौ रुपये का और इनकी शाओमी की साइड पर पता नहीं क्यों जो पुराने वाला है वो सोलह सौ का मिल रहा है और जो नया वाला है वो ट्वेंटी थाउजेंड एम एच का मिल रहा है देखो शाओमी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पावर बैंक में तो इसीलिए बहुत सारे इसके डुप्लीकेट्स भी बन चुके हैं जो इसका औरजिनल होगा उसके ऊपर ये स्क्रैच कूपन होगा और अगर आप इसको स्क्रैच करेंगे और वेबसाइट पर डालेंगे तो आपकी आपको इसकी औरिजिनलिटी का पता लग जाएगा इसको अनबॉक्स कर लेते हैं इसके साथ आपको यूएसपी टाइप सी केबल मिलती है माइक्रो यूएसपी केबल नहीं मिलती है और वो इसलिए क्योंकि ये चार्ज भी माइक्रो सॉरी टाइप सी से हो जाता है इसलिए उन्होंने शायद ज़रूरत नहीं समझी बट अगर माइक्रोवेव भी केवल भी इसमें होती या फिर वो डबल पोर्ट वाली जो इनके पास होती है वो होती तो भी ठीक था चलो लेट्स आउट द पावर पैंक ना और ये कुछ इस तरह का दिखता है बहुत ही ज़्यादा सॉलिड मटेरियल से बनाया हुआ है और ऐसा लगता है कुछ एक पत्थर जैसा पकड़ा हुआ है काफ़ी भारी भी है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल सॉरी स्ल, चार स्लॉट है चार स्लॉट्स में दो फुल यूएसबी पोर्ट्स है एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट है और एक आपका टाइप सी पोर्ट है तो टाइप सी पोर्ट से आप रिवर्स चार्जिंग भी कर सकते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने पावर बैंक को चार्ज करना है तो आप इसी में डाल के इसी में केबल डाल के इसको चार्ज कर सकते हो और किसी भी वॉल uh, सॉकेट में लगा सकते हो बट अगर आपको uh, अगर आपका मान लो कि आपके पास मैकबुक है और आपके पास टाइप सी से टाइप सी की केबल है तो वो भी आप इसमें अटैच uh, कर सकते हो टाइप तो सी की केबल एक यहाँ पर जाएगी और एक मैकबुक में जाएगी और मैकबुक भी चार्ज हो जाएगा ऐसे ही कुछ डेल के लैप लैपटॉप्स भी है शायद जो टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं ऊपर आपको चार डॉट्स मिलते हैं एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं जिससे आपको अपने बैकअप का पता लगता है तो अगर साइड में आप ये बटन दबाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कितनी बैटरी बची है ये आपके पास टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दी गई है बट सिंपल सी बात है कि ये काफ़ी सारे वोल्टेजेस और काफ़ी सारी वोटेज़ करता है और जो आपके पास इसमें आउटपुट आती है वो आटी आती है, है अठारह वॉट की जिससे जो फास्ट चार्जिंग बोल सकते हैं और काफ़ी सारे जो फोन्स आ रहे हैं वो फास्ट चार्जिंग वाले आ रहे हैं तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो दैट्स अ वेरी वेरी कूल थिंग और अगर लो पावर डिवाइसेस भी है आपके पास कोई छोटे फोन्स भी है तो ये वो भी आराम से चार्ज कर लेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम्स बाकी अगर बैकअप की बात करो तो हर फोन के लिए अलग अलग बैकअप मिलेगा इसमें आ, आपने बस डिवाइड कर देना फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो फोन है फाइव थाउजेंड बैटरी के साथ आता है तो उसको ये आराम से चार्ज चार बार चार्ज कर देगा लगभग चार बार चार्ज कर देगा फुल जीरो टू हंड्रेड Uh, उसी तरह से अगर आपके पास चार हज़ार एम का है तो ज़्यादा बार चार्ज करेगा तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये uh, मेरा फ़ोन uh, चार बार चार्ज कर रहा है तो आपका भी चार बार चार्ज करेगा इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर बैटरी इसमें 12 लेयर की प्रोटेक्शन है तो इट इज़ वेरी सेफ मतलब मैं पावर बैंक जो है शाउमी के वो कम से कम चार साल Uh, पहले से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई कि मेरा मेरी बैटरी फूल गई है या कुछ और प्रॉब्लम आ गई है तो दैट्स अ वेरी वेरी कूल थिंग एक टिप जो मैं इसके साथ देता हूँ वो ये है कि आप हाई uh, वोल्टेज वाला जो चार्जर है वो यूज़ करो इसको चार्ज करने के लिए तो ओवर ये चार्ज हो जाएगा बड़े आराम से तो बस यही था इस छोटी सी वीडियो के लिए ज़्यादा इसके बारे में कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है बिल्ड क्वालिटी अच्छी है बैटरी बैकअप अच्छा है प्रोटेक्शन लेयर है हाँ एक और बात है कि अगर आप इन चारों स्लॉट में लगाना चाहो केबल तो लगा सकते हो आ, एक टाइम पे मान लो कि आपने दो डिवाइसेस चार्ज कर रहे हैं या तीन डिवाइसेस चार्ज कर रहे हैं और आपने माइक्रो यूएसबी पोर्ट पे भी लगाया हुआ है चार्जिंग के लिए तो आपका पावर बैंक भी चार्ज होता रहेगा और जो डिवाइसेस है वो भी चार्ज होते रहेंगे पूरे 18 वॉट में तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिलक द वीडियो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना नीचे जो लाल बटन है उसको दबा देना घंटी वी आएगी उसके बाद उसको भी दबा देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना आई एम वेरी एक्टिव ऑन दैट तो मिलता हूँ किसी वीडियो में बाय बाय